हजार प्रेम कोचिंग में सबको गुड मॉर्निंग एवरीबडी, दिस ललन सर। तो आइए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि यह सवाल जो है बार बार परीक्षा में आ रहा है, इंटर के लिए है, है ना। तो इसको इग्नोर ना करते हुए आप बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए और वीडियो को पुश करके आप इसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी इंटर में हमारे गाइस हैं उनके लिए लवली लवली टॉफी है ना, बहुत फ्रूटी फुल होगा, सिद्ध होने वाला है। तो इधर मेरे वीडियो के साथ अंत तक बना रहिए और बढ़िया समझने का कोशिश कीजिए। तो आइए बिना देर की हुए टॉफी की ओर। देखिए, दो सदिशों का सदिश गुण का ज्यामिति अर्थ बताएं, है ना। दो सदिशों का सदिश गुण का ज्यामिति अर्थ बताएं। तो हम कैसे कैसे इसका ज्यामिति अर्थ बताएं, दो सदिश का है जो कि ज्यामिति अर्थ बताने के लिए कर रहा है। तो आइए ऐसे सवाल को हम कैसे हल करते हैं। तो हल सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल हल माना कि त्रिभुज ए ओ बी, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे बना दीजिए। त्रिभुज क्या कहा, ओ ए बी, ओ ए बी, तो ओ ए बी ले लिया मैं, त्रिभुज बना दिया, लो है ना। उसके बाद में कह रहा है कि अब ओ ए है ना, ओ ए बराबर मान लिया ए, और ओ बी बराबर मान लिया बी है ना सदिश। देखो चिन्ह लगा हुआ है ना, इंडिकेटर। उसके बाद देखो कौन, ए ओ बी बराबर ठिट्टा, ये ठिट्टा देखो ओ पर ठिट्टा लगा हुआ है ना। तो त्रिभुज के समतल पर इकाई अभिलंब सदिश है ना एन हो, कौची हो एन हो, कौची सदिश है ना, इकाई अभिलंब सदिश एन हो है ना, इकाई अभिलंब सदिश क्या हो तो एन हो। तो देखो परिभाषा से है ना, देखो ए सदिश गुने बी सदिश बराबर कौची ए बी साइन थीटा है ना, ठीक है, साइन थीटा एन बराबर के दो इंटू वन बटा टू है ना, ए बी साइन थीटा एन है ना। अब देखिए टू से टू कट गया तो क्या बचेगा, तो ए बी बचेगा ना जी, है तो टू है ना त्रिभुज ए ओ बी बराबर है ना इंटू एन है ना, टू त्रिभुज ए ओ ए बी इंटू एन है ना, देखो बराबर क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज ए ओ बी, देखो साइन लगा हुआ है ना तीर का, उसके बाद में ए इंटू बी बराबर क्या हो गया, तो टू त्रिभुज ओ ओ ए बी है ना, ए बी बराबर क्या हो गया त्रिभुज दो त्रिभुज ए ओ बी है ना। तो उसी प्रकार से चूँकि दो ए दो ओ ए बी बराबर एक बटा दो है ना, अब देखो ए तीर के निशान गुने बी का तीर के निशान बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद उधर चलिए, देखिए यदि ए ओ और बी ओ को असन्न भुजा मानकर समांतर चतुर्भुज खींचे। अब देखो और ठीक है, ए ओ और बी ओ, ए ओ और बी ओ को समान आसन्न भुजा मानते हैं, ठीक है, और उसको मान करके चतुर्भुज खींचे तो खींच रहे हैं। देखिए ए ओ ए सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए टू त्रिभुज टू कोण टू त्रिभुज ए ओ बी और साइन लगा दिया एरो का, उसके बाद बराबर का कवची हो गया, तो चतुर्भुज ए सी बी है ना, ओ ए बी पहले से लिखा था उसके बराबर कितना हो गया, तो ए बी ए सी बी, ए सी बी है ना, ओ ओ ए बी, ओ ए बी बराबर क्या हो गया, तो ए है ना सी बी, ए सी बी है ना। तो देखिए यहाँ आसन्न भुजा कब की है, तो ओ ए इंटू बी ओ
बराबर क्या हो गया चतुर्भुज ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी आसन्न भुजा। ठीक है, अच्छा देखो ए ओ एरो मार्क गुने ओ बी बराबर उस समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्र का निरूपण करता है जिसकी आसन्न भुजा ओ ए और ओ बी हो। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बराबर क्या हो गया ओ ए इंटू बी ओ बी, बी ओ कहो चाहे ओ बी कहो। तो हम समझते हैं प्यारे कि आप बढ़िया समझ गए होंगे और कोई भी परीक्षा में आने पर आप बेहिचक इसको जवाब दे दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं रेस्ट टू नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।